हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे वेस्ट कार्डबोर्ड से आप खुद एक गिफ्ट हैम्पर बना सकते हैं, जिसमें आप चॉकलेट्स या कुछ और प्रेशियस आइटम्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इस यूनिक और इको फ्रेंडली गिफ्ट आइडिया को बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड के 3 पीसेस कट कर लिए हैं, जिनका साइज़ है 16x10, 15.5x10 एंड 15x10। और अब इन तीनों पीसेस को मैंने फेविकोल से पेस्ट कर दिया है, जिससे मेरे कार्डबोर्ड की थिकनेस बढ़ जाएगी। इसी तरह से मैंने 6 पीसेस तैयार कर लिए हैं, क्योंकि हेक्सागन शेप के लिए हमें 6 साइड्स की ज़रूरत है। फिर मैंने एक शीट पर हेक्सागन शेप ड्रॉ करके कट कर लिया है, जिसकी सभी साइड 16 सेंटीमीटर की हैं। अब इसी शेप में मैं अपने कार्डबोर्ड पीसेस को जोड़ते जाऊँगी। इसे मैंने फेविबॉन्ड यूज़ करके फिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसमें सभी कॉर्नर्स पर टेप लगा दी है, जिससे ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है और एक बाउल में पानी और फेविकोल को मिक्स करके इसे पेस्ट करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्डबोर्ड से बना गिफ्ट हैम्पर तो मजबूत ही नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें सामान रखा जाएगा तो ये बहुत हैवी होगा और टूट भी सकता है। तो चिंता मत करिए, उसका सॉल्यूशन भी है, इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अब इसमें मैंने एक साइड पर 2 होल कर दिए हैं, तो अब बारी है इसे मजबूत बनाने की। इसके लिए मैंने वॉल पुट्टी में पानी मिलाकर एक थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। ध्यान रखिए कि यह पेस्ट बहुत पतला ना बने, इसकी कंसिस्टेंसी थिक ही होनी चाहिए। और अब ये पेस्ट मैं हेक्सागन के बाहर और अंदर की दोनों साइड्स पर अच्छे से लगा दूंगी और इसे सूखने के लिए रख दूंगी। इसे सूखने के बाद मैंने इस पर एक दूसरा कोट भी अप्लाई किया है, ताकि ये और अच्छे से मजबूत हो जाए। अब ये अच्छे से सूख गया है और अब हम इसमें पेंट करेंगे। तो जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाहर के साइड मैंने पीच कलर किया है, और मुझे अंदर के साइड का कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे बाद में उसे भी पीच कलर कर। अब मैंने ये OHP शीट को हाफ हेक्सागन में कट कर लिया है, उसे भी मैं यहाँ फेविबॉन्ड की हेल्प से पेस्ट करूँगी। ये शीट आपको स्टेशनरी शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। इसके दोनों साइड्स पर मैंने ये शीट पेस्ट कर दी है। मैंने ये होल किए थे, वहाँ मैं ये रोप यूज़ करके हैंडल तैयार करूँगी। ये रोप पतली है, इसलिए मैंने इसे 3 लेयर बनाकर यूज़ किया है। तो हमारा बेस तैयार हो गया है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ग्लू गन से इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगी। लीजिए, हमारा हैम्पर बॉक्स तैयार है। अब इसमें मनपसंद की चीज़ें ऐड करके ये सुंदर सा गिफ्ट हैम्पर आप गिफ्ट कर सकते हैं। फिर चाहे दिवाली हो या बर्थडे एनिवर्सरी, आप इसमें ओकेजन के अकॉर्डिंग विशिंग टैग्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैप्पी क्राफ्टिंग एंड गिफ्टिंग।